से आप लोग उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं एक प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाला हूं। हमारे चैनल पर पहली बार एक कीबोर्ड और एक माउस यानी कम्बो में वायरलेस वाला क्या हुआ है जो कि प्रोडक्ट्स कंपनी से। देखो ये मेड इन इंडिया कंपनी है और ये जो प्रोडक्ट है मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है और ये जो है असेंबली फिनिशिंग पैकेजिंग सब कुछ इंडिया में ही है और इसका जो फैक्ट्री है वो देहरादून में है। तो दोस्तों ये 30 साल पुराना ब्रांड है जो कि मैन्युफैक्चर करता है कंप्यूटर एसेसरीज और यहाँ पे पैन इंडिया नेटवर्क के थ्रू यहाँ पे 1000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर इनके पास है और सेलिंग पर मंथ 1 मिलियन प्रोडक्ट ये सेल करते हैं। देखो अनबॉक्सिंग से पहले मैंने प्रोडक्ट बाहर निकाल दिया और एक दिन का पूरा टेस्ट किया ऑफिस में बैठ के। सब कुछ मैं डिटेल्स आपको बताऊंगा और मैं भी शायद कुछ इन फ्यूचर अगर कोई नया प्रोडक्ट आता है इस कंपनी की तरफ से तो शायद वो चीज़ कुछ चेंजेस के लिए मैं बताऊंगा, अगर हो सकता है तो बढ़िया रहेगा। यहाँ पर प्रोडक्ट आया हुआ है, प्रोडक्ट की तरफ से मैं इसका रिव्यू करने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा, एंड तक आप जरूर देखना, काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा ये वीडियो। और इसका प्रोडक्ट का प्राइस वगैरह और डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। अगर आप विजिट करना चाहो साइट पर भी विजिट करके चेक कर सकते हो, ये ऑनलाइन पर मिल जाता है और ऑफलाइन स्टोर पे भी मिल जाता है। प्रोडक्ट का काफी बढ़िया है जो कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट। तो मुझे खुशी होगी कि आप लोग इस वीडियो को एक लाइक करोगे। दूसरी प्रोडक्ट का नाम है स्पर्श वायरलेस माउस और कीबोर्ड के साथ है। ये दो कलर में आता है, मेरे पास जो आया हुआ है ब्लैक कलर का, तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोनों कलर है। तो ये जो फिलहाल जो है ये कलर का मेरे पास आया हुआ है। आपको इसके लिए दो बैटरी पेंसिल बैटरी दोनों मिल जाता है। ये कंपेटेबिलिटी जो है आपको विंडोज मैक और लिनक्स दोनों के लिए ये कंपेटेबिलिटी है। और कीबोर्ड माउस का फीचर्स आप यहाँ पे देख सकते हो, बहुत सारे फीचर्स यहाँ पे देखने को मिल जाता है और काफी इंटरेस्टिंग है। मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ, सब कुछ बढ़िया रहेगा। वायरलेस सेटअप है, मैं पूरे दिन यूज किया, मुझे काफी मजा आया। लो प्रोफाइल क्रिकेट कीज जो कि ये जो की है काफी ठीक है, लो सेटअप है, आपको थोड़ा सा थिन टाइप का लगेगा। और डेडिकेटेड यूएसबी चिपसेट जो है दोनों को कनेक्ट करता है, एक माउस को और एक कीबोर्ड को। और सीपीआई स्विच ऑप्शन है और ये सेटअप भी आपको क्रशर सेटअप के लिए यूज हो जाएगा। और अवेलेबल इन टू कलर जो है कि व्हाइट का और एक ब्लैक का। चलिए ओपन करते हैं इस बॉक्स को और थोड़ा सा मैं कनेक्ट करके भी दिखा दूंगा। मैं पूरे दिन भर इसको यूज किया, मुझे एक चीज थोड़ा सा इशू लगा कि मेरे यूज करते टाइम हो सकता है इससे पहले जो मैं यूज कर रहा था मेरे को उस टाइप का कीबोर्ड दूसरा था मेरे ऑफिस में। और यहाँ पर मैं इसको ओपन कर देता हूँ। पैकिंग काफी बढ़िया हो रखा है और सिंपल, आप यहाँ से देखो स्लिम ट्रिम रहता है। मैं इसको एक बार साइड कर देता हूँ और माउस सेटअप जो है हम यहाँ से निकाल लेते हैं। मैंने ऑलरेडी इसके अंदर जो सेल जो है इंसर्ट कर दिया था, मैं आपको दिखाई दूंगा कहाँ पर इंसर्ट किया था सेल। ये फर्स्ट हम देखते हैं प्रोडक्ट का एक माउस है जो है दिखने में काफी बढ़िया है, ये एक फंक्शन की है। और इस साइड में आपको जो डाउन की तरफ आपको इसका मॉडल जो है आप देख सकते हो K04 2020 यानी अप्रैल में ही ये लॉन्च हुआ है। और इसको यहाँ पे हल्के सी ऊपर करते ही दो बैटरी इसके अंदर आता है, पेंसिल बैटरी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ पर मैं जो साथियों बता रहा हूँ ये जो है मेरा USB जो कि डोंगल है ये यहाँ पर भी इंसर्ट कर सकते हो, अदरवाइज दूसरे पॉकेट के अंदर सेटअप हुआ है। मैं अभी अपने ये यहाँ पर सेट है, मैं अभी अपने लैपटॉप पे लगा दूंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। इसका शेप जो है काफ़ी मुझे पसंद आया, जब ऑफिस में काम करते टाइम काफ़ी छोटा सा और थिन सा लगा। इससे पहले थोड़ा सा मैं वायर्ड वाला यूज कर रहा था, मुझे थोड़ा सा बल्की लग रहा था, ये काफ़ी लाइट वेट और अच्छा लगा यूज करने के लिए। कीबोर्ड भी काफ़ी बढ़िया सा है, आपको स्लिम लगेगा। देखो एक तरफ से पैटर्न रखा हुआ है, यहाँ पर आपको जो है स्टैंड की जरूरत नहीं है, सिंपल ये ऑटोमेटिक थोड़ा सा डाउन होकर रहता है जो कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। सबसे अच्छी बात क्या है, जब ये फंक्शन की आप यूज करोगे, जब आप की यूज करने जाओगे तभी जाके ये लाइट थोड़ा सा ऑन रहता है, अदरवाइज अगर जैसे आपका हाथ हट जाएगा कीबोर्ड से ये पावर ऑफ हो जाता है यानी कि लाइट चल जाता है। इससे पावर सेविंग होता है, आपका बैटरी जो है इसके अंदर सेटअप हो रखा है उससे काफ़ी टाइम जाता है। अगर मैं इसको ऑन करता हूँ, इसके अंदर दो बैटरी सेटअप है, पेंसिल बैटरी, ये काफ़ी बढ़िया है और एक्यूरेसी काफ़ी अच्छा है, इसका लेटेंसी काफ़ी अच्छा लगा मुझे, कोई दिक्कत नहीं है।
और सारे की काफी जबरदस्त और मजे से यूज हो जाता है। चलिए मैं आपके अपने लैपटॉप पे कनेक्ट करके इसको रन करके दिखाता हूँ। ओके, मैं अपने लैपटॉप और पीसी के साथ आ चुका हूँ। यहाँ पर ये सेटअप है और यहाँ पे कोई स्विच वगैरह नहीं है, ये ऑटो कनेक्ट हो जाता है और स्लीप मोड पे चला जाता है जब आप यूज नहीं करना होता। मैं सिंपल आपको यहाँ पर यूएसबी डोंगल निकाला माउस के अंदर से, ओके, लैपटॉप पे कनेक्ट करने के बाद हल्का सा बीप आया, आप सुनाई दे रहा होगा, और यहाँ पर माउस देख सकते हो ये ऑटोमेटिक चलने लगा है और कीबोर्ड का फंक्शन वगैरह सब कुछ बढ़िया होता है। मुझे एक चीज का प्रॉब्लम है, अगर ये वाला जो की है, ये वाला FN की, अगर ये लेफ्ट में आ जाता है यहां तक, यहां आ जाता तो मजा आ जाता, क्योंकि अक्सर लोग जो है कंट्रोल PCV इसके साथ रन करते हैं। जब आज दिन में मुझे दिक्कत हुआ क्योंकि मैं पूरे टाइम यूज करता था ये जो फंक्शन की, मेरा लेफ्ट साइड में रहता था मेरा ऑफिस वाला जो कीबोर्ड है। मैक्सिमम कीबोर्ड जो है लेफ्ट में रहना चाहिए और कंट्रोल की यहां पर रहना चाहिए। FN की जो छोटा हो जाता चाहिए बेटर है, क्योंकि FN की के साथ ना ऑटोमेटिक कंट्रोल समझ के कई बार मैंने आज दिन में प्रेस किया, मतलब कम से कम 50 बार प्रेस किया, आदत पड़ जाता है। 2 दिन 4 दिन 5 दिन यूज करने के बाद आदत पड़ जाता है। बट यहाँ पर दिक्कत क्या होगा कि जब आप ये सेटअप करते हो, अगर आपको बताना पड़ता है तो अगर ये FN की लेफ्ट में हो जाता तो मजा ही कुछ और आता और बाकी सब कुछ बढ़िया है। फंक्शन की जबरदस्त है, इसके अंदर इतने सारे जो की सेटअप दिया गया, यहाँ पर मल्टीमीडिया सेटअप दिया गया, आप देख सकते हो म्यूट, वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन, यहाँ पे म्यूजिक, ये सब डिटेल्स काफी अच्छा लगा मुझे और इसका सेव वगैरह काफी देखने में काफी बढ़िया लगता है। दोस्तों वायरलेस माउस और कीबोर्ड का जो कॉम्बो कॉम्बिनेशन, आपको कैसा लगा? कनेक्टिविटी और सब कुछ बढ़िया लगा मुझे, स्लिम ट्रिम काफी ठीक ठाक सा था और ज्यादा हाईफाई नहीं बोल सकते बट जितना है काफी बढ़िया है। आप ऑफिस से काम कर लो, आप घर पे भी काम कर लो, फुल टाइम के लिए आप लैपटॉप के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। आज के टाइम में बहुत सारे लोग डायरेक्ट लैपटॉप पे काम करना नहीं चाहते, आप वायरलेस के थ्रू, कीबोर्ड के थ्रू हैवी कोई गेमिंग विंग करना हो तो ये जरूरत पड़ जाता है। बाकी आप चेक कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। बाकी डिटेल्स के बारे में मैं आपको नेक्स्ट कभी वीडियो में बताऊंगा। और मेरे पास एक कम्बो आया हुआ है वायर्ड वाला, जो कि माउस और कीबोर्ड, उसके ऊपर भी मैं आपको एक डिटेल्स रिव्यू दूंगा 1-2 दिन 4 दिन के बाद। अगर इस वीडियो से कुछ और चीज आपको जानना है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए, मैं उसके ऊपर डिटेल्स वीडियो लेके आऊंगा। बस ये था आज का वीडियो, मिलेगा नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक ले बाय, टेक केयर एंड वंदे मातरम।